वो शराब पी लेता है और उसके बाद वो होश में ही नहीं है, वो रात भर। हमने तुम्हें अपना माना है, अब ये देखते हैं कि तुम भी हमें अपना मानते हो या नहीं। अभी यही चल रहा है एग्जैक्टली कि जहाँ पर अरमान अपने रूम में है संगीत के बाद वो शराब पी लेता है और उसके बाद वो होश में ही नहीं है, वो रात भर उन्हीं कपड़ों में सो जाता है, पूरे बाल बिखरे हैं, बहुत ही ख़राब स्टेट ऑफ माइंड में है। जहाँ पर सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो बारी बारी से उसके रूम में आता है, बिकॉज दे ऑल आर वेटिंग, तो सब लोग रेडी हो गए हैं, हल्दी का फंक्शन शुरू नहीं हो रहा है, तो सब उसके कमरे में जाते हैं और अपनी अपनी तरह से उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि वो नीचे आ जाए। तो मनीषा चाची आती हैं जो अरमान को समझाती हैं कि तुम अपने प्यार के लिए लड़ो, लोग अपने प्यार के लिए जान दे देते हैं, व्हाई यू डूइंग दिस टू योरसेल्फ, अपनी नहीं तो कम से कम अबीरा की सोचो। और दादी साहब अलग उसको इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हैं बचपन की फ़ोटोज़ वगैरह दिखा के, एंड विद्या, क्योंकि विद्या से वो बहुत प्यार करता है, वो माँ है, तो वो बहुत खुश है, हालांकि उनको शायद समझ में तो आ रहा है कि अरमान खुश नहीं है, बट शी थिंक्स कि अरमान रूही को बहुत प्यार करता था और
रूही से एक बार शादी कर लेगा तो आई थिंक उसकी लाइफ सॉर्ट हो जाएगी, उसका घर बस जाएगा। वेल, अरमान थोड़ी दुविधा में है और वो खुश नहीं नज़र आ रहा है और यहाँ पर सब हल्दी के लिए उसका इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं उसे बुलाने जाती हूँ कि तू तैयार हो के क्यों नहीं आ रहा है नीचे। और फिर वहाँ पर जब मैं आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वो बोल रहा है कि मुझे ज़रूरत है आपकी, मुझे पापा आप कहाँ हो, मुझे ज़रूरत है। फिर मैं जाके उसे समझाती हूँ कि यू नो कि बच्चों को माँ से बेहतर और कौन समझता है। और फिर मैं उसे बोलती हूँ कि मैं ये घर छोड़ के नहीं गई क्योंकि मैं सिर्फ तेरे लिए और रोहित के लिए इस घर में रही हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम्स थी तेरे और पापा के साथ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ रही हूँ। एंड तब फिर उसको बेसिकली उसको मैं ये बोलती हूँ कि मेरी गलती थी शायद मैंने, कि उस समय मैंने मासा को ये नहीं बोल पाई कि भाई नहीं, रूही को मैंने अरमान के लिए देखा है, रोहित के लिए नहीं। मासा ने बस बोल दिया कि रोहित के लिए, तो मैं कुछ बोल नहीं पाई उन्हें, तो शायद मेरी गलती थी कि मैंने उस समय नहीं किया, अगर किया होता तो ये सब नहीं होता। तो वैसे बोलती हैं लेकिन अभी तुझे तेरा प्यार मिल रहा है, अभी मैं वो गलती को सुधार रही हूँ। लेकिन क्योंकि मैं विद्या सोचती है कि यू नो उसकी वजह से ये सब हो रहा है, वो ये नहीं देख पा रही कि नहीं यहाँ पर अरमान जो है वो कश्मकश में है, कि और वो ये भी नहीं देख पा रही कि वो नहीं चाहता है शादी करना। तो बट यहाँ पर उसे लगता है कि कुछ तो है जो नाखुश है, लेकिन मैं उसे बोलती हूँ कि नहीं तू आ जाना मेरे खातिर आ जा, मैं सब चीज़ों को संभाल दूँगी। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। और एक बेटा जो है वो देखता है कि भाई मैं ही पूरी दुनिया हूँ अपनी माँ के लिए और मेरी माँ ही दुनिया, तो मैं सबको तो नकार सकता हूँ लेकिन जो माँ कह रही है उसको नहीं नकार सकता उस बात को। सो दैट वॉज द होल वेरी इमोशनल सीन।